नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। जिन्ना वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना से पटेल की तुलना बेहद शर्मनाक है और इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव की सोच विभाजनकारी है और ऐसा बयान केवल तालिबानी मानसिकता वाला व्यक्ति ही दे सकता है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव के कल के दिए हुए बयान पर आज सियासत जोरों पर की जा रही है और ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से अखिलेश यादव को घेर रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, देश के सामने वो माफी मांगे अपने इस बयान को लेकर। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर राजनीति गर्माती ही जा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के विभाजन के समय करोड़ों लोगों का बलिदान हुआ था और अखिलेश यादव ने देश के बलिदानियों का अपमान किया है। साथ ही भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। तो आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है अखिलेश के इस बयान पर। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अगर अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है और इस तरह से अखिलेश यादव का सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्ना के साथ तुलना करना ये बेहद शर्मनाक है। लगातार आपको बता दें, इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम बीजेपी नेता अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं और उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी पर सीधा हमला बोल दिया है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। अखिलेश ने आगे कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस सोफे पर बैठते हैं वो सपा सरकार में खरीदा गया था। यहां तक कि सीएम जिस हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं वो भी हमारी सरकार में ही खरीदा गया था। तो विधानसभा चुनाव अब यूपी में नजदीक है, ऐसे में बयानबाजी तेज हो चुकी है, वार पलटवार किया जा रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है उन पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया कि यूपी में ना तो कोई विकास हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सोफे पर बैठते हैं वो भी हमारी ही सरकार में खरीदा गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक यात्रा अलीगढ़ पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हम अशफाक उल्ला खान, एपीजे कलाम और अब्दुल हमीद को जानते हैं लेकिन जिन्ना को नहीं, और अगर अखिलेश ने ये बयान दिया तो उनसे ही ये पूछें। तो अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया। ऐसे में जिन्ना वाले बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें नहीं पता जिन्ना के बारे में, जिसने ये बयान दिया है उसी से उसके बारे में पूछा जाए। हम तो जानते हैं अशफाकुल्लाह साहब को, जानते हैं हम, जानते हैं पीजी कलाम को, जानते हैं हैं, और उनको जानते हैं जिन्होंने उसके लड़ाई में टैंक अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। अब उनको तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब। और विवाद चल गया इसमें, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना है,
लेकिन तो क्या तुलना की जा सकती है महात्मा गांधी से, पटेल से और जवाहरलाल नेहरू से, जिन्ना की? जब हम जानते ही नहीं तो तुलना हम कहाँ करें। उन्होंने बाराबंकी में प्रियंका गांधी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर योगी कहने पर अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं इस बयान पर बीजेपी विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी का भू माफियाओं से प्रेम है और कांग्रेस की यही संस्कृति वही है। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी भू माफियाओं के खिलाफ योगी जी के बुलडोजर चलते रहेंगे। तो आपको बता दें, बाराबंकी में सीएम को बुलडोजर योगी कहने पर अब सियासत गर्मा गई है और ऐसे में बीजेपी के नेता इस पर अब पूरी राजनीति तो की जा रही है और ऐसे में बीजेपी विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, सतीश शर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का भू माफियाओं से प्रेम है और कांग्रेस की यही संस्कृति रही है। गांधी गोरखपुर में थी और उन्होंने स्पीच भी दिया कि जो बुलडोजर चलाए गए हैं और उस पर उन्होंने योगी जी को बुलडोजर योगी ही कहा है। क्या आपका कहना है? प्रियंका जी का प्रेम भूमाफियाओं से है, उनकी पार्टी की संस्कृति रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर उनके खिलाफ चलते रहेंगे और जो जमीन खाली कराई उनको, गरीबों को हम लोगों ने दिया है और ये काम लगातार जारी रहेगा। 2022 में पुनः बुलडोजर योगी, जिन्होंने उनको नाम देने की कोशिश किया है और योगी जी को जनता पसंद कर रही है, भूमाफियाओं को कार्रवाई पसंद कर रही है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। हाथरस पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 24 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया, साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कई छात्राओं को साइकिल भी वितरित की, साथ ही किसानों को ट्रैक्टर भी दिए। वहीं स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 1,10,000 का लोन जैसी तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने उस बार यूपी में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। तो आपको बता दें, तस्वीरें देख सकते हैं हाथरस की, जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे, वहां पर डिप्टी सीएम ने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, महिलाओं को साइकिल भी वितरित की और ऐसे में यूपी में 2022 में बीजेपी की जीत का दावा भी उन्होंने किया। लगातार आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से 300 पार का नारा दिया जा रहा है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और अपनी दोबारा से सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे आपके नीचे रखे के निवासी हैं विधायक, ये अपने श्री बहादुर जी और हमारे यहाँ के नगर पालिका वीरेन जी, सब लोगों ने लगातार मांग की थी। उस मांग के क्रम में इसको स्वीकृत किया गया और आज यह जनता की सेवा में 2017 अखिलेश के जिन्ना वाले बयान अब तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री मोहसिन रजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश यादव ने ये बयान देकर देश के महापुरुषों का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कुछ लोगों के मन में अभी भी जिन्ना की विचारधारा है और ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए। मोहसिन रजा ने कहा कि ये समाजवादी नहीं बल्कि जिन्नावादी विचारधारा है और इससे लोगों को बचना चाहिए। तो आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव के कल के दिए हुए बयान पर सियासत अब बहुत ज्यादा गर्माती जा रही है और बीजेपी के तमाम नेता अब अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मोहसिन रजा का भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कुछ लोग अभी भी हमारे देश में जिन्ना की विचारधारा लेकर रहते हैं जिन्हें देश में नहीं रहना चाहिए।
विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत एमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हों, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है, उस विचारधारा से हम सबको बचना है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सचिव बालकृष्ण मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान बालकृष्ण सचिव ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानूनों के जरिए किसानों को मालिक से नौकर बनाने पर तुली हुई है। तो सपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर प्रदेश सचिव बालकृष्ण मौजूद रहे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार देश प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार कृषि कानून के जरिए किसान को मालिक से नौकर बनाने पर तुली हुई है। तो कुशीनगर में सपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव बालकृष्ण मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरह से 3 कृषि कानून लेकर आई है, इससे बीजेपी की सरकार किसानों को मालिक से नौकर बनाना चाहती है और किसानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश और केंद्र की दोनों सरकारों पर उन्होंने हमला बोला और साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। कि हमारे वोटर्स समर्थक हैं, ये अताई सरकार से डर रहे हैं ना, ये कानून का उल्लंघन करके ये किसी को फर्जी मुगरी में फंसा देंगे। इस स्थिति में लोग हमको वोट देने के तत्पर हैं। आज जिस दिन भर चुनाव होगा, उस दिन हमारे समर्थकों की तादाद के बारे में जानकारी हो जाएगी और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के वर्कर, उसके पदाधिकारी, नेता इस सरकार को बदलने के लिए कृत संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान रख करके, पूरे समाज का, अपने दल के साथ सीधा रिश्ता, सीधा समर्थन जोड़ने का बहुत पहले से अभियान चलाती रही है। उसी का एक हिस्सा है प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी का। इस आतताई सरकार से हर समाज पीड़ित है और इस आतताई सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक विकल्प दिखाई दे रहा है, जो समाजवादी पार्टी है और उसके शीर्ष नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। अमेठी में यातायात माह का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि इस रैली का शुभारंभ अमेठी के एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली और सड़कों पर जाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। तो अमेठी की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर एसपी ने रैली
की निकाली और ऐसे में यातायात माह का शुभारंभ हो गया है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। और देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस रैली का हिस्सा बने और तख्तियां लेकर उन पे स्लोगन लेकर आम जनता को लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए और लगातार लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। बिजनौर में यातायात माह का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां डीएम और एसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लोगों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया। इस जागरूकता रैली में शहर के कई स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया और ये जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। तो बिजनौर में भी यातायात माह का शुभारंभ बहुत जोरों शोरों से किया गया। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं बिजनौर की, जहां पर स्कूली और कॉलेज के बच्चों ने इस यातायात रैली में हिस्सा लिया और लोगों को यातायात के नियमों के द्वारा जो है वो जागरूक करने की कोशिश भी की गई और लोगों से नियमों को फॉलो करने की भी अपील की गई है। सुल्तानपुर के दरियापुर मोहल्ले से शगुन लोन में मारवाड़ी महिला युवा मंच की ओर से दीपावली मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिविल जज आशालिका पांडे ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों को उपहार भी दिए गए। वहीं इस मेले में फीमेल फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें 16 से 22 साल के युवक और युवतियों ने प्रतिभाग किया। तो तस्वीरें देख सकते हैं ये सुल्तानपुर की, जहाँ पर आपको बता दें ये दिवाली मेले का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में इस मेले में कई तरह के स्टॉल तो लगाए गए, छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और ऐसे में साथ ही आपको बता दें सिविल जज आशालिका पांडे भी वहां पर मौजूद रही और इस मेले में फीमेल फैशन शो का भी आयोजन किया गया। तो ये फीमेल फैशन शो की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें 16 से 22 साल की युवतियों ने प्रतिभाग किया और ऐसे में वहाँ पर इसके बाद पुरस्कार भी दिए गए और छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी नृत्य भी किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और इस मेले की शोभा भी बढ़ाई और ऐसे में कई तरह के स्टॉल तो लगाए ही गए थे, जहाँ पर आने जाने वाले शहर के लोगों ने खूब वहाँ पर हिस्सा लिया और काफ़ी भीड़ भी वहाँ पर मेले में देखने को मिली, क्योंकि लगातार बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से किसी भी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार जब कोरोना के मामले बेहद कम हो चुके हैं तब पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में दिवाली मेले का आयोजन हो रहा है। ऐसे ही ये सुल्तानपुर में दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को तो किए ही, इसके अलावा फीमेल फैशन शो भी वहां पर रखा गया, जिसमें 16 से 22 साल की युवतियों ने इस फीमेल फैशन शो में भाग लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बलरामपुर सशस्त्र सीमा बल सी कंपनी के जवानों को मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि तुलसीपुर रेंज के जंगलों में वन माफियाओं की ओर से शीशम के पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी शीशम और सागौन की लकड़ी को पकड़ लिया और कागजात दिखाने के लिए कहा। वहीं कागजात न दिखाने पर टीम ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलरामपुर का यह पूरा मामला है, जहाँ पर वन माफियाओं पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको शीशम और सागौन की लकड़ी ये वन माफिया ले जा रहे थे, जिसके बाद ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए इन वन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस के चंदबा कोतवाली क्षेत्र के गांव गरीब परती में चोरों ने घर की दीवार काट कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित परिवार ने इस जानकारी को पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार की माने तो आरोपियों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी
और मौके से फरार हो गए। हाथरस का यह पूरा मामला है, जहां पर देख सकते हैं दीवार काट कर घर में चोर घुसे और लाखों की चोरी को उन्होंने अंजाम दिया। आपको बता दें ये दीवार देख सकते हैं, इसे ही दीवार को तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। साथ ही घर में रखा पूरा सामान तहस नहस कर दिया और लाखों रुपये की चोरी को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो गए। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है और जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। दीवार काटी थी दीवार काट के ले गो भैया रात को ले गो 11 बजे तक तो जगी हो 12-1 बजे के बीच में कछु आयो। यूपी के पीलीभीत में मंदिर की 34 एकड़ जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, दबंगों ने एक फर्जी ट्रस्ट भी बनाया जिसके नाम से मंदिर की जमीन से कई लाख का घोटाला कर लिया गया। वहीं इस मामले की शिकायत मंदिर के ट्रस्टी अमित सिंह और उनकी पत्नी माला सिंह ने जिलाधिकारी से की, जिसके बाद इस मामले में डीएम ने SP को इसकी जाँच का आदेश दे दिया गया है। तो पीलीभीत का यह पूरा मामला है, जहाँ पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कुछ दबंग कर रहे हैं। दबंगों फर्जी ट्रस्ट भी बना लिया। इसके बाद आपको बता दें कि मंदिर की तरफ से अब प्रशासन की तरफ से शिकायत की गई है, जिसके बाद अब कार्रवाई के इस पूरे मामले में SP ने जो है DM ने SP को इसकी जांच का आदेश दे दिया है। हमारे यहाँ ग्राम भगवतीपुर में हमारे बड़े बूढ़ों ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उसमें लगभग 34 एकड़ ज़मीन दान दी थी और इसी प्रकरण को लेके सन 2019 में हमने सारी ज़मीन उठाई थी, मंदिर की देखभाल के लिए सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन कुछ लोगों ने दबंग टाइप के लोग जो हैं उन लोगों ने SDM साहब पर चंद्रभानु पर दबाव बनवा के हमसे 7 एकड़ ज़मीन चौकी पर बलरामपुर चौकी पर चंद्रभानु SDM साहब ने उनको दिलवा दी थी, जिसका उन लोगों ने ना कोई पैसा मंदिर में लगाया है ज़मीन का और 14 पेड़ कटवा के बेच दिए हैं। 25,000 रुपये मेला वसूलवा ले गए थे सन 2019 का, अब तक उन लोगों ने कोई पैसा मंदिर में नहीं लगाया है। हमीरपुर में मालगाड़ी की टक्कर से एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आपको बता दें मालगाड़ी की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई, पुलिस अब मामले की जाँच में जुट गई है। आगे तो हमीरपुर में ये घटना हुई है, जहां पर मालगाड़ी की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई। ऐसे में अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि महिला की टक्कर किस वजह से हुई, कैसे महिला रेल की पटरी पर पहुंची, इसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।